हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत क्या होगी, एक ही बात होगी कि आपको वीडियो का जो रेजोल्यूशन होगा या फिर कहते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी होगी, आप इसको सही कर लीजिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप जाकर सेटिंग में वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एकदम साफ दिखेगा। हम लोग यहाँ से बहुत सही एकदम सही कंडीशन की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका पहला दायित्व होता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल की ओर। आज बिना देरी के केवल सवाल पे काम करेंगे। ये आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है यहाँ पे जो सेट मैं तैयार किया हूँ। देखिएगा लगभग सभी सवाल सरलीकरण के इर्द गिर्द की हैं। ठीक है, चलते हैं शुरुआत करते हैं। ऐसे आपका पहला जो प्रश्न होने वाला है, पहले प्रश्न में लोग बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ लिखा है रूट में, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर होगा 0.0081 है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस में 81 लिखा गया है और फिर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। यहाँ पे इसका मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा हमको फाइंड करना है। क्या लिखा है, रूट के अंदर 0.0081 प्लस में अंडर रूट के अंदर 81 लिखा है, इसको सॉल्व करने पे क्या उत्तर आएगा वो हमको बताना है। चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। तो देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। पहली बात ऑप्शन की, तो ऑप्शन में लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ लिखा ऑप्शन 9.09 होगा पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो होगा 9.9 लिखा है, 9.9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा जो वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 9.09 ये है, और 9.009 हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन है, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे चौथा जो होगा नन ऑफ दीज होगा। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है, इसी पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनको क्या निकालना है, ये वर्गमूल का चिन्ह, इसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे 81 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे 81 का वर्गमूल होगा 9। यहाँ पे आप 9 बड़ी संख्या से आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है, ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव कितने अंक पे है, 4 अंक पे है। तो दशमलव का जब वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव जितने अंक पे होता है उसके आधे अंक के उत्तर में लगाते हैं। यहाँ 4 अंक पे है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा उत्तर में, 1 अंक तो 9 है ही है। यहाँ 1 जीरो का हाथ देंगे 0.09 होगा, ये 0.0081 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 81, 81 नॉर्मल सा लिखा है क्वेश्चन पर, एक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 81 वर्गमूल 9 करेंगे। अब हल कीजिए, जोड़ने पे क्या मिलेगा, 9.09। तो कहोगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा आपके सवाल का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा वो सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर देखते हैं आपके लिए क्या स्ट्रगल लेकर आता है, समझिएगा। और हाँ एक बात और, किसी टॉपिक पर अगर आपको डीपली कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात हो तो सेकंड में लिखा है क्वेश्चन मार्क है अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर फिर से कुछ नया नंबर लिखा है जो कि है 5.29 है, 5.29 है। ठीक, उसके बाद है यहाँ बराबर में 250 लगाया गया है, इसको हल कीजिए। हल करने पर जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वही आपको निकालना है। रही बात ऑप्शन की, ऑप्शन है 595 पहला ऑप्शन है, 595 पहला ऑप्शन है। दूसरे की बात करा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 585 होगा, 585 होगा। फिर आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, वो बना के दिखाते हैं। अगला ऑप्शन जो होगा वो 525 है, 525 होगा। और फिर नेक्स्ट जो होने वाला है वो है 575 है, 575। इन चार विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे, आपका सवाल लिखा गया है, इन सवाल को हल करके देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे। एक काम और बताऊं, इसको सहजता से और कुछ लगाना हो तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, वर्ग करने पे यहाँ पे क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसका भी वर्ग हो जाएगा, बाद में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये समस्या से बचने के लिए आपको 529 का वर्गमूल करना पड़ेगा जो कि 5.29 के रूप में लिखा गया है। फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बट्टा में, 529 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 529 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है।
किसी को याद होगा तो वो करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, वो सोचेगा। मैं बताता हूँ सोचने का तरीका। 529 देखिए कितने का हो सकता है, अगर आप ध्यान करोगे अनुमान लगाओगे कहोगे 23 का होगा, लेकिन किसी को ना पता हो तो वो क्या करेगा 529 वैसे लिखेगा। वर्गमूल निकालना है ना, आप सीखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं चुटकी बजाकर। देखिए 9 का वर्गमूल क्या, 9 किस संख्या का वर्ग होगा, किस संख्या के वर्ग की इकाई 9 होती है, कहोगे 7 की वर्ग इकाई 9 होगी, 7 × 4 इकाई 9 आया। दूसरा 3 का वर्ग जो करेंगे तब इकाई क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे जो इकाई का मान आया है ये तो 7 की वजह से आया होगा या फिर 3 की वजह से आया होगा, इसका मतलब आपके उत्तर की जो इकाई होगी ये तो 7 होगी या फिर 3 होगी। ये हो गया, आगे क्या करेंगे एक अंक छोड़ देंगे। कभी भी इकाई का वर्ग क्या होगा, किस संख्या से आ सकता है उसको हम लिखेंगे, और एक अंक छोड़ के जो बचा होगा वो अंक है 5 अकेला है। 5 जो होगा वो किस वर्ग की इकाई, किस संख्या का वर्ग होगा, 5 होगा वैसे 2 का वर्ग 5 कह दीजिएगा, 2 का वर्ग क्यों, 3 का वर्ग 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 का वर्ग के करीब ही 5 आएगा, इसलिए हम या तो कहेंगे उत्तर क्या होगा 27 होगा या फिर आपका उत्तर क्या होगा 23 होगा। एक बात बताएं 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625 होता है, याद है आपको 25 का वर्ग 625 है, 625 से कम है 529, इसलिए कम की ओर बढ़ेंगे जो कि क्या होगा 23। तो 23 क्या होगा 529 का वर्गमूल होगा। आगे यहाँ दशमलव 2 अंक पे लगा था, वर्गमूल में दशमलव आधे अंक पे लगाते हैं, 2 अंक पे लगा था तो उत्तर में क्या होगा 1 अंक पे लगा देंगे, यहाँ पे बराबर में 250 आ जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो क्षमार्क बराबर होगा 2.3 गुणा में 250 लिखा जाएगा। फिलहाल 10 दशमलव हटा देगा, फिर 23 का 25 गुणा करेंगे, 25 या 75 होगा 7 आएगा, 25 गुणा 50 का 57 होगा, कहें तो 575 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर जो होगा 4 होगा, वो आपके सवाल का राइट आंसर होगा। कुछ ये लगे सवाल किस प्रकार से लगाएंगे, और सवालों को सहजता से लगाएंगे, कभी भी सवालों को बोझ बन के लगाएंगे, सवाल हम पर बोझ बनेगी ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए, यहाँ पे मैं 3rd नंबर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट वेट ए मोमेंट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करना यहाँ पे सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कर्णी जिसका मान निकालना है वो भी वर्गमूल के अंदर है, अगर वर्ग कर लेंगे क्या कर्णी गायब हो जाएगी, ये पहला काम कीजिएगा। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, फिलहाल ऑप्शन लिख दूं मैं ना, ऑप्शन अगर लिखने का क्रम प्रयास यहाँ पे लिखा जाएगा 1296 है, 961 है, 1296 है, 961 है, और फिर इसके बाद जो लिखा गया है 1024 है, 1024 होगा, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1089 लिखा गया है, इतना है। इन चारों ऑप्शन के लिए हम लोग काम करेंगे, देखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बटा में यहाँ पे कर्णी गायब हो जाएगी, 4096 लिखा जाएगा, बराबर में 9 का स्क्वायर 1 का स्टैकली कर सकते हैं, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर जो होगा इसकी कर्णी गायब कर देगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 256 होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़े तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको नॉर्मल से, ऐसे करेंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ जाएगा, बाकी यहाँ 81 लिखा था, हर कथा तिरछा गुणा करेंगे 81 गुणा में आएगा, यहाँ पे 4096 होगा, पूरे का बटा कितना होगा 256 होगा। 256 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16 × 16 ही थे तो आसान हो जाएगा सबको, सिंप्लीफाई करने में काटने में आसानी होगी, ठीक है। 16 से भाग करेंगे और कितनी बार जाएगा, 16 का इससे भाग करेंगे, 16 × 16 = 32 दो बार जाएगा, ठीक है, दो बार गया, उसके बाद क्या बनेगा 16 × 32 8 होगा, 89, 16 × 5 = 80 और फिर 16 × 6 = 96 होगा, इतना हो चुका है। 16 से भी कटेगा, 16 × 16 होगा और जाएगा 16 × 16 होगा, और फिर 16 बार जाएगा ही जाएगा, 16 के कैसे गुणा कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 16 × 16 = 6 हासिल आएगा, 1 हो जाएगा, और 16 × 128 = 100 क्या हो जाएगा 29। यहाँ पर इतना है, 1296 कोई ऑप्शन होगा जो कि कौन सा नंबर फर्स्ट है, ये ऐसे लगे सवाल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पहले से वर्ग कर देंगे तब भी आसान बात हो जाता है, तब कर सकते हैं फिलहाल, ये ऐसे थे सवाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न नंबर 4 होगा आपके लिए, देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या होने वाला है उसको आप समझिएगा और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और चौथे प्रश्न के लिए लिखा गया है यहाँ पर 424 है स्क्वायर रूट के अंदर,
424 है प्लस में फिर से स्क्वायर के अंदर क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक 271 है प्लस में यहाँ फिर से आगे आपको मिलेगा जो कि लिखा है 324 है स्क्वायर के अंदर 324 है। इसको हल करना है, इसका मान निकालना है, जो भी आएगा पूरे को हल करके मान निकालना है। और विकल्प की अगर मैं बात करूं 26, 24, 22 और 21 है, ऐसे लिखें 21 है, 22 है, 24 और 26 है। आपके पास चार विकल्प हैं, चार विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे और सवाल को हल करके देखेंगे कि क्या हो पाएगा और कैसे होगा सवाल, ठीक है। फिलहाल यहाँ अगर बढ़े तो मिल रहा है हमको चार नंबर के लिए हल। देखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर लगा देंगे, सबसे जो छोटा स्क्वायर रूट होगा उसके लिए काम करेंगे पहले। ये आपको पता होगा 424 प्लस में अंडर रूट के अंदर क्या होगा 271 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 324 का वर्गमूल निकालिए। 324 का वर्गमूल, 324 किसका वर्ग है, यहाँ पर इसको आप ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से अगर समझो तो अच्छा निकाल के एक बार दिखा ही देते हैं कैसे निकालेंगे। 324 होगा, इकाई का वर्ग 4 है, किसका वर्ग 4 आता है, अगर कहोगे 64 होगा, 8 आपको 4 दे पाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा और आपको 2 दे पाएगा। इसका मतलब इसके वर्गमूल की इकाई तो 8 होगी तो 2 होगी। आगे यहाँ एक अगर छोड़ देंगे बचेगा कितना, यहाँ पर यहाँ बचेगा 3 बचा, 3 किसके वर्ग के करीब है, वर्ग से ज्यादा ना हो पाए कम हो चलेगा, है ना। जैसे क्या हो जाए मतलब 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, ये ज्यादा हो रहा है। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हमारा 1 ही होगा, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 ज्यादा होगा, हमारे पास 3 ही है, 1 के वर्ग में शामिल कर लेंगे, या तो आपका 12 होगा उसका, या तो 18 होगा। 12 का वर्ग 144 आप जानते हो, 18 का वर्ग क्या होगा 324 की जगह क्या लिखेंगे वर्गमूल निकाल के, इसका मान 18 हो जाएगा। करणी गायब हुई, प्लस लगा था प्लस लगा देंगे, आगे बढ़े तो क्या मिलेगा 424 हो जाएगा प्लस में अंडर के अंदर इसको जोड़ दीजिएगा 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा 289 होगा, ठीक है। इतना सब आ गए हैं 289 मिला। अगर आपको जानकारी हो तो 289 किसका वर्ग है आप कह सकते हैं, कितने का होगा कहोगे 17 का होगा, ठीक है। 17 का वर्ग 289 हो जाएगा, इसका मतलब वर्गमूल 17 आएगा, बराबर कीजिएगा इसको जोड़ेंगे 7 4 11 होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा 447। 447 का होगा किसका होगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 21 आएगा, तो 447 का वर्गमूल 21 आएगा, 21 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके लिए आ रहा है, देखिएगा 5 आपके लिए कैसे सवाल लेकर आता है उसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। देखिए यहाँ पर एक सवाल मैं लिख रहा हूँ जो कि भिन्न के रूप में है और वर्गमूल भी निकालना है, चलिए करें चर्चा। यहाँ पर सवाल में लिख दो तो बात हो उसके बाद, 4 से 2/9 कहेंगे और प्लस लगा हुआ है, उसके बाद क्या होगा 2 से 8/9 है, 2 से 8/9 होगा, फिर प्लस में यहाँ लिखा गया 4 है, इसका क्वेश्चन मान लगा है बाद में, इसका मान हमको निकालना है, मान निकालेंगे और उसके बाद फिर जो कुछ भी आएगा, हो सकता है 10/3 आए, है ना, क्या 10/3 आए, या फिर जो आएगा वो 10/9 अभी आ सकता है, 10/9 लिखा है ऑप्शन दूसरा। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास है 7/3 और 7/9 है, 7/3 है, 7/9 है, ठीक है, ये लगी सवाल, इन पे करना काम। तो हम लोग लगाएं अगर सवाल को तो सबसे पहले इस भिन्न को हल कर लीजिए, भिन्न है हल कैसे होगा समझाता हूँ। वर्गमूल के अंदर रह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 होगा प्लस में 2 होगा प्लस में ये क्या है 4 है, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर मिश्र भिन्न संख्याओं को लिखे, मिश्र भिन्न में मतलब यहाँ पूर्णांक संख्याओं को लिखा गया है, प्लस में क्या लगाएंगे 2/9 है, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो होगा वो होगा कितना सर, अरे ऐसे भी कर लीजिए चाहे रैखिक करो क्या दिक्कत है, मिश्र भिन्न बन ला उसको सिर्फ भिन्न बन के करें, चाहे तुम आएगा सब आ जाएगा, ऐसे भी करिए 9 2 9 6 36 होगा, 36 2 38/9 होगा, प्लस में यहाँ पे 9 2 18 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 होगा, 26/9 होगा, प्लस में 4 आ जाएगा। हल करेंगे क्या होगा देखिएगा, यहाँ 9 और 9 यहाँ बटा में 1 ला सकते हो, 9 9 1 का लाता तो होगा 9 आएगा, यहाँ पर 38 होगा, प्लस में 26 कीजिएगा, प्लस में यहाँ 9 6 36 हो जाएगा, इतना बना। आगे बनाने बाद तो क्या बनेगी ऐड कर लीजिएगा, 6 6 12 8 20 होगा, 2 बचेगा, 3 2 5 3 8 और 8 2 कितना 3 2 5 होगा, 5 3 8 2 10 हो जाएगा, पूरे 9 होगा। अब आप बताइए 100 वर्गमूल क्या होगा 10/3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट, ही आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न
प्रश्न आपके लिए 6 नंबर होगा। और 6 नंबर के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे सरलीकरण से संबंध में सवाल है, क्या लिखा गया है, लिखा है कि 24 का कितना परसेंट, क्वेश्चन मार्क लगा है, परसेंट लगा है, इसका जो मान होगा वो क्या होने वाला है, 11। एक यहाँ पे दो सही, दो बटा में 11 गुणा में 1331 लगाएंगे। ये कुछ इतने से सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा है 24 का कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन मार्क है, परसेंट का चिन्ह लगा है, बराबर 2 सही 2/11 गुणा में 1331 लिखा गया है। इसको हल करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान निकालना है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो लिखा गया ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन में एक तो होगा यहाँ पर 10,000 लिख सकते हैं, दूसरा जो ऑप्शन होगा वो आपके लिए है कि 12,100 और फिर नेक्स्ट होगा 9,600 कहते हैं, और फिर अगला जो होगा आपके लिए नन ऑफ डीज होगा, नन ऑफ डीज। तो चार ऑप्शन के लिए काम करेंगे। देखिए सवाल को हल कैसे कर पाइएगा, आसान है, यहाँ पे मिश्र भिन्न भी है, भिन्न है, और फिर सरलीकरण का करना है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रसन्नता का भी अंश है। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, 24 का माने गुणा प्रतिशत, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप एक्स ले सकते हो, प्रतिशत का मतलब बटा में क्या लगा दीजिएगा 100, बराबर में 11 गुणा 22 को कितना होगा 24 बटा में 11 होगा गुणा में 1331 लिखा गया है। एक काम करें 11 से काटें, 11 का 11 होगा, 2 आएगी 11 गुणा 22, 11 का 11 आ जाएगा, 24 कैंसिल, यहाँ एक्स के नीचे बटा था 100 जाएगा, तिरछा गुणा होकर यहाँ कितना आएगा इतना लेके आएगा, 100 जब गुणा करेंगे 00 बढ़ जाएगा, 12 1 00 आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 1 00 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा, ये सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7वां आपकी बार लगेगा, 7वें प्रश्न के लिए देखिएगा हम लोग आपके लिए क्या लेके आए हैं। 7वां सवाल में यहाँ पर इसी टाइप के सवाल और लगाएंगे। 7वें प्रश्न में ये होने वाला है कि 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3 है, यहाँ पर का 33% होगा, का 33% है, बराबर यहाँ क्या लगाया गया है 200, यहाँ पर है 220 का क्वेश्चन मार्क बटा 220 का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है बटा में 2 का, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है। ये है सवाल, आपकी जरूरत है इस सवाल का हल करने की। और अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में 0.03 कह रहे हैं पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है वो है 0.02 होगा, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके लिए अगर यहाँ पे लिखें तो ले सकते हैं 0.05 होगा, 0.05 होगा, और चौथा ऑप्शन 0.04 होने वाला है। इनमें से हल करेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते कौन कौन कर पाता है। अच्छा आप कर पाए हो पहले सवाल ना, तो आप कमेंट करके बताएं कि हमने कर दिया है, लगे कि हाँ कुछ आप कर रहे हो। फिलहाल यहाँ पर मैं लगाऊ सवाल तो देखिए 6 3 18 होगा, 3 6 18 तो 20 कितना होगा 3 होगा, का माने गुणा 35 कितना होगा 100 हो जाएगा, आराम से कर देंगे, यहाँ बराबर 220 है, ठीक, का माने गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ बटा में 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बहुत आसानी से, देखिए 3 से 11 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11 से 11 गुणा 22 20 हो गया, ऐसे आराम से काटेंगे, एक ही बार में काटेंगे, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 बार जाएगा, बताओ कितना आएगा। जैसे आप 50 ला देंगे, 50 तो गड़बड़ बात है ना, ये तो बटा में है, इसका मतलब कितना आएगा अभी सोचिए, यहाँ 1/50 है इसका मतलब ना, बराबर क्या होगा यहाँ पर x का मान है 50, यहाँ 1 को 50 से भाग करें कितनी बार जाएगा, यहाँ 1 को 50 से भाग करेंगे कितना होगा, देखिए आपको कराऊंगा, 1 50 होगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, कम है 0 लगाइए, यहाँ पे 0 आएगा, तो बताइए कितना आएगा 50 गुना 100 मतलब क्या होगा 0.02 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड लगाएंगे, ये लगे सवाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 के बाद 8वां आएगा आपके लिए। देखिए 8वां क्या हो पाता है, 8वें में आपके लिए कुछ बेहतर लेके आ रहा हूँ, आपके लिए 8वीं सवाल आ चुकी है। 8वीं सवाल देखिए किस प्रकार है, 250 का मतलब 250 का 2550 का 32% है, फिर प्लस में 1225 का 16% लिखा गया है, उसके बाद बराबर है 25 का 64 का, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ हम लोग कुछ भी मान रख के हल करेंगे, यहाँ परसेंट में लिखा गया है ये भी, ठीक है, तो कीजिए हल, यहाँ ऑप्शन आपके पास चारों मौजूद है, उसको हल करके बताइए क्या होगा। फिलहाल शुरुआत करें तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ 2550 है, 25 और 50 का माने गुणा 32 बटा में क्या होगा 100, प्रतिशत में बटा 100 लगा देंगे, ठीक
उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस होगा, आगे होगा 1250, यहाँ पे 1225 हो जाएगा, का मान पूरा 16/100 हो जाएगा। ठीक, बराबर है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ 25 है, का मान पूरा 64 होगा, का मान फिर से पूरा लगाएंगे, कुछ मार्क लगा देंगे, बटा में क्या होगा 100 का। एक बात बताएं, 100 पर 100 सबसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से, दोनों सब कॉमन लेंगे, 100 से काट देंगे, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना एक ये तो 64 है, 64 कर दो ना, खा चल गई से यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 32 का इससे बुरा होगा, इसका इससे बुरा करेंगे, इसका इससे बुरा करके यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे। कीजिए फिलहाल एक काम करेंगे, 32 का यहाँ पे 250 से 2550 से बुरा करेंगे, बुरा करने पे 32 का 0 से 32 जाएगा, 32 का 5 से करेंगे, 5 से 10, 5 से 15, 16 होगा, 160 होगा, मतलब 0 लगाएंगे आएगा 16 यहाँ से। ठीक है, फिर से 160 होगा, 160 का 70 और फिर 76 हो जाएगा, मतलब 17 बचेगा, 32 और 64 होगा 64 और फिर 7 हो जाएगा आपका 71, 10 81 बनेगा, इतना होगा। प्लस में क्या लगाएंगे, 16 का पूरा करेंगे, 16 बचे 80 होगा और 16 दूना 32 हो जाएगा और फिर 16 दूना 32 होगा और फिर यहाँ पर 16 होगा और फिर कुछ इतना सा पाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो बुरा में था यहाँ पे लगा, ऐसे बुरा जिसको छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि आसान होगा बुरा कूड़ा बिना किए छोड़ेंगे तो, और यहाँ पे कुछ नाम लगा देंगे। अब यहाँ क्या होगा, जोड़ दीजिए क्या आएगा, 00 आ जाएगा, फिर 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 होगा और फिर 11 बना, 8 1 9 होगा, 10 कर दीजिएगा। पूरे का बटा कितना होगा, 25 होगा, पूरा में लगाएंगे 64, कितना होगा बराबर में क्वेश्चन आपका। सिंप्लीफाई करते हैं एक को, देखिए सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, जो कुछ होगा हल करके दिखाते हैं। 25 से भाग करेंगे सबसे पहले, यहाँ दशमलव कहीं नहीं, केवल यहाँ पे बोर्ड का इधर है, दशमलव ना समझिएगा, 10 12 डबल जीरो लिखता हूँ, फिर से 10 है 12 डबल जीरो, यहाँ बोर्ड में थोड़ा सा है ना गड्ढे हैं डेट्स हैं, इसलिए दशमलव ना समझना। 25 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 होगा 104 बार जाएगा। ठीक, 101 यहाँ 12 मिलेगा, यहाँ 12 मिला लेकिन 10 जीरो बढ़ा के फिर हम लोग क्या करेंगे, 120 से भाग करेंगे, 25 होगा 100, फिर से होगा 20 आ जाएगा, मतलब 200, 25 अच्छे 200 का इतना सा हो चुका है। अब 64 से हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे, इसके लिए क्या हो पाएगा भाग करने पे, देखिए 4 से भाग करें तो 4 यहाँ 16 से 64 होगा, 4 से भाग करेंगे 4 1 4 होगा 0, 4 1 4 गुना 8 होगा। अब फिर से कटेगा क्या, 16 से कटेगा क्या, देखते हैं, 16 1 16 16 6 96 होगा और 4 1 5 52, यहाँ कुछ तो अलग होने वाला है, मुझे लगता है कि दशमलव में आएगा ना, दशमलव पे कर लेते हैं, भाग करें तभी दशमलव में आ पाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे इसको भाग करने तक का। 16 है, अब इसको भाग करेंगे 10, 12 को भाग करेंगे 16 से, कर लीजिए भाग, कितना होगा यहाँ पे 16 का 6 बन जाएगा, 96 होगा, यहाँ कितना बचा 5 होगा, 52 होगा और फिर कितना हो जाएगा, अच्छा 16 2 32 16 3 8 16 6 64 ज़्यादा होगा, 16 3 48 ले जाएंगे, 48 हो जाएगा, 48 होगा 4 42 40 होगा और दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 40 बन जाएगा, 16 2 32 हो जाएगा और फिर 8 40 होगा, यहाँ कहें तो 8 कह सकते हैं फिलहाल, यहाँ पर यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा, 16 2 32 में यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 8 बचेगा, दशमलव बढ़ाया 0 आ जाएगा, 16 5 80, कहानी खत्म। कितना होगा, 63.25 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कोई ऑप्शन मिलेगा क्या, यहाँ तो 60 है, यहाँ 64 64, ये सब नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या कह दीजिएगा, नन ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका सही आंसर कह सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही, आपके लिए और अच्छे सवालों को लेकर आएंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में कुछ बढ़कर लोग सवाल लगाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।